अब मुझे सीरियसली लगने लगा कि मैं खो गया हूँ और मुझे अब जो अब भैंस मार दीजिए क्या। Lions roaring in the morning sun. ये है हमारे असली एक्सप्लोरर, यहाँ पे बैठ पे गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं। People feeling like the light has just come. पीली बाजू तो नहीं है, हाँ साइड जो है क्योंकि आवाज भी आवाज जाओ तो हाँ लोगों ने भी आवाज भी आवाज जो जाएगा। हाँ आ हूँ एरिया उबला। आयो आयो एन Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइज। आज हम हाइकिंग पे आए हैं, मतलब व्यारा सिटी के थोड़े से ही दूर एक लोकेशन है, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल और हाइकिंग एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जैसा लग रहा है मुझे तो एटलीस्ट। हालांकि मैं पहली बार आया हूँ हाइकिंग पे, तो अभी हालत यह है कि मेरे फ्रेंड्स आगे निकल गए हैं और दो तीन फ्रेंड्स पीछे हैं और लोकेशन की हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है मिलने में, तो आगे जाके देखेंगे क्या हाल है। शायद वो आगे ही निकल गए हैं और वेट करेंगे, पता नहीं क्या होगा अब। फिलहाल तो आवाज कर और एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। हालांकि बारिश हो नहीं रही है, बारिश होती तो कुछ नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता हमें, और बारिश नहीं है इसलिए भी मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज का। दूर दूर तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कुछ मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है उनकी। मैंने काफ़ी बार उनको आवाज़ दी लेकिन मेरा जोर से बोल बोल के मेरा गला भी बैठने लगा है। अब हालत ये हो गई है कि मेरे दो फ्रेंड्स भी पीछे रह गए हैं और मैं अकेला बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए छोटा सा झरना भी है। वैसे देखा जाए तो टेंशन की कोई बात है नहीं, मेरे पास पानी और एक छाता भी है और सबसे बड़ी बात मेरा अपना डाइट फूड मेरे पास है। सनी, सौरभ और मुरुगेश का फ्रेंड है अर्पित, वो तीन लोग पीछे आ रहे हैं। इस बार कुछ इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही हम पे मेहरबान हो रहे हैं। मुझे उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि जब जुलाई और जून इन टू मंथ में बारिश की संभावना बहुत ही कम हो गई थी, तो सभी लोगों ने इतनी प्रार्थनाएं की, इतनी
याचना है कि हमारे इंद्रदेव जी को, और काफ़ी विनती की, पूजा अर्चना सब किया तो इंद्रदेव इतने ही खुश हो गए कि ढेर सारी बारिश कर दी। तो हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं लीलो दुकाड़ की यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी हो गई है ऐसा हो जाए। हालांकि हम भगवान से फिर से प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो, काफ़ी लोगों को तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे बाकी भी वीडियोस है जो म्यूज़िक से रिलेटेड है तो उसको भी एक बार ज़रूर सपोर्ट कीजिए। कुछ नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, सिर्फ एक आपका एक सेकंड लगेगा, सिर्फ एक सेकंड। क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश मेरी हमेशा ही से ही रहती है, लेकिन अब ट्राई तो मैं कर रहा हूँ और ज़रूर लाऊँगा। मुरुगेश, कुणाल, कई बाजू, अब नहीं होगा मुझसे, अब गले में बहुत ही, मेरे वोकल कॉर्ड की मुझे फील हो रहा है कि उन पे लोड आ रहा है। शायद मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है, यहाँ पे कुछ मुझे जूतों के निशान दिख रहे हैं, हालांकि वो भी ताज़ा नहीं दिख रहा, ताज़ा तो नहीं है। अब मुझे सीरियसली लगने लगा है कि मैं खो गया हूँ और मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये मैं क्या दिख रहा हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पैरों, ये चप्पल, किसी के जूतों के निशान है, तो इससे तो लगता है कि यहाँ से कोई गया तो है। ये अभी भी अभी लग रहा है, या तो कोई चरवाहा हो सकता है, या फिर हमारे फ्रेंड्स में से कोई एक हो सकता है। सो मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही है अब,
और अब मुझे मेरे दो फ्रेंड्स की भी फिक्र होने लगी है, वो शायद रिटर्न हो गए हैं या फिर आ रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। मैंने ऐसा सोचा कि मैं आगे जाके कुछ आवाज़ करूँगा तो फ्रेंड्स दिखेंगे हमें। ये कुछ बोर्ड है यहाँ पे, कुछ इससे डिटेल हासिल नहीं हो रही है। योगेश्वर वन और आगे जाके यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आगे जाके फ्रेंड्स लोगों को आवाज़ दूंगा, तो इस तरह से मैं ढूंढ लूँगा उन्हें और पीछे जाके तीन फ्रेंड्स लोगों को भी मैं बुला लूँगा। लेकिन बहुत ही घटिया जजमेंट था वो, अभी मैं थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा हूँ उसके बारे में। काफ़ी टाइम हमारा इसमें वेस्ट हो गया है। और इस रास्ते पे भी कुछ निशान हमें कुछ दिख नहीं रहे हैं, तो ये तो फिर हमें जंगल में ले जाएगा। मुरुगेश 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 मुरुगेश।